हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित आई होप सब लोग अच्छे होंगे ठीक है ये है ये बोलना पड़ता शुरू में वैसे तो आप लोग अच्छे ही होंगे कौन हमारा क्या बिगाड़ सका है आज तक है ना तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं आपके कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर रेगुलरली एमसीक्यूज़ करेंगे आज डिस्कस हिस्ट्री के अभी एक बार एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री के ये लेक्चर टू है आपका आज ठीक है लेक्चर वन में लेक्चर वन में हमने क्या डिस्कस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखे थे ठीक है आज का जो हमारा लेक्चर होगा जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसमें हम वॉइस रॉयज एंड गवर्नर जनरल से रिलेटेड कुछ एम देखेंगे अगेन दस एम सी रहेंगे ये एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ई के लिए और एक और एग्जाम जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए स्पेशली दैट इज योर पीसीएस पंजाब सिविल सर्विसेज तो जो बच्चे पंजाब सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इनफैक्ट इकोनोमी पॉलिसी और हिस्ट्री जितने भी हमारे एम सी क्यू कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब पे तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सोशल सिक्योरिटी वाली जो स्कीम्स हैं वो भी ओके तो आप लोग इस लेक्चर lecture, इन लेक्चर्स को जरूर फॉलो कीजिए आपको हेल्प जरूर मिलेगी ऑल राइट right. तो वॉइस एंड गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे ज्यादा इसमें समय ना खराब करते हुए आपका जो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं वो आपको करने को मैं बोल बोलूंगा दोबारा से दस क्वेश्चन आपके सामने आएंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गिव योर सेल्फ जीरो पॉइंट एट थ्री क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को आप पॉज करेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे और उसके बाद देखेंगे सही किया तो जीरो पॉइंट एट थ्री और अगर गलत किया तो आप अपने आप को जीरो पॉइंट टू सेवन जो है नेगेटिव मार्क्स देंगे दस क्वेश्चन आपके बनते हैं टोटल एट पॉइंट थ्री मार्क्स के अकॉर्डिंग टू योर यूपीएससी पी एफ ओ तो आप इसी हिसाब से अपने आप को नंबर देंगे और पीसीएस वाले अपने आप को पीसीएस के हिसाब से नंबर देंगे उनका एक क्वेश्चन जो है दो नंबर का जो है सही क्वेश्चन होता है गलत क्वेश्चन के पीसीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो अपने नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे ऑल right, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके okay, ये आपके पास तीन स्टेटमेंट है मैंने आपको पहले ही बताया चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे वो सिविल स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो आपको एक चीज जरूर सबसे पहले ढूंढनी है अपने किसी भी क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट वाली चीजें आपको जरूर ढूंढनी है कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है एक सेकेंड का मुझे समय दीजिएगा हाँ जी तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसी वजह से मैं आपको यह कहता हूं क्योंकि अभी आपके ये सारे एग्जाम्स जो हैं ऑफलाइन होते हैं अभी तक ये ऑनलाइन मोड पर गए नहीं है तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले तो इस एक की वर्ड को आपने जो है मार्क कर लेना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया लॉर्ड रिपन स्टार्टेड द स्टेट रिस्टोर्ड द स्टेट ऑफ अवध यार जिस तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाता था टू द सन ऑफ वाजिद अली शाह ऐसा हुआ था क्या स्टेटमेंट टू कहता है वॉरेन हेस्टिंग्स ने नेपाल के विरुद्ध जो है लड़ाई छेड़ी ऑप्शन थ्री कहता है लॉर्ड कॉनवॉलिस जो हैं इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है शुरू किया जो इनके वेरियस रिफॉर्म्स में हाईलाइट किया जा हाईलाइट होता है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसका आंसर करेंगे चलिए आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा इसको तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा गया कौन सी दो स्टेटमेंट्स आपकी गलत हैं तो देखो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 और 2 जो हैं आपकी ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट्स हैं ठीक है स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल गलत है तो अगर आपको 1 का भी पता होता तो आप तीन ऑप्शंस यहां पर इजीली एलिमिनेट कर देते ठीक है लेकिन एलिमिनेट नहीं करना था क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो वन वाला एलिमिनेट नहीं करना था यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कई बार क्या होता है करेक्ट इनकरेक्ट में ये कंफ्यूजन होती है अगर इस वर्ड को आपने अंडरलाइन ना किया होता और ये आपको पता होता कि गलत है तो आप वन वाले को एलिमिनेट करके टू एंड थ्री वाला आंसर लगाकर आ जाते पर ऐसा नहीं है यहां पर आपका आंसर है स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी दैट इज वन एंड टू ओनली मतलब की पहली दो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है ये इनकरेक्ट क्यों है क्योंकि देखो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि लॉर्ड रिपन ने स्टेट ऑफ अवध जो है वो रिस्टोर कर दिया था वाजिद अली शाह को अवध जो है वो कभी भी रिस्टोर वापस नहीं किया गया ठीक है तो ये पहली बात तो ये गलत हो गई एक स्टेट जिसको रिस्टोर किया गया जो वो रिस्टोरेशन के लिए अपनी फेमस है वो है माइसोर और माइसोर को भी रिस्टोर करने वाले लॉर्ड रिपन नहीं थे वो थे आपके विलियम बेंटिक ठीक है विलियम बेंटिक ने 1831 में माइसोर जो है उनको सॉरी यहां पर मेरी गलती लग गई है एक आ, जो लॉर्ड रिपन रिपन थे लॉर्ड ने ही माइसौर को रिस्टोर किया था ठीक है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने माइसौर को फिर अल्टीमेटली लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने माइसौर जो है माइसौर के रूलर्स को रिस्टोर कर दिया था ठीक है तो यहां पर आंसर एक बार दिखा देता हूं आपको 1831 में विलियम बेंटिक ने माइसौर का कंट्रोल ले लिया अपने हाथों में और 1881 में लॉर्ड रिपन ने माइसौर जो है रिस्टोर बैक कर दिया था ना कि अवध ओके स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट टू में क्या बोला गया है कि वॉरन हेस्टिंग जो थे उन्होंने नेपाल के खिलाफ युद्ध किया नहीं वॉरन हेस्टिंग्स नहीं थे वो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे

तो इसी वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस की काफी जो रिफॉर्म्स uh, थे उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट देखने को मिलता है तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है लेकिन आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर आपका वन एंड टू ओनली हो गया आई होप यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होगा डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे अब सेकेंड क्वेश्चन एक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन है एक पैरा बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या पूछा गया क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे अंडर हिज वॉइस रॉयशिप ठीक है हिज नाम नहीं गिवन है अ वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज पब्लिश्ड ओके ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्योंकि जो भी इसका आंसर होगा उसके लिए आपने ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं सबसे पहला है कि व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नंबर टू कहता है और ये जो व्हाइट पेपर था इसमें फेडरल सेटअप और प्रोविंशियल इटोनोमी की बातें थी दूसरा दिस पर्सन आल्सो स्टैब्लिश एन एयरफील्ड इन दिल्ली एयरफील्ड बनाई दिल्ली में हैज एन आईलैंड इन केरला केरलाम्ड आफ्टर हिम थर्ड पॉइंट बर्मा वॉर सेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग हिस्टेन यहां से आपको जो है थोड़ा सा टाइमलाइन का आइडिया लग जाएगा इजी पॉइंट है ही आउटलॉड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड बैंड कांग्रेस यूथ ऑर्गेनाइजेशन पांचवा पॉइंट तो ये पांच पॉइंट है ये कौन से गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय के तरफ इशारा कर रहे हैं ऑप्शन है विलिंगडन एरविन या रीडिंग चलिए आंसर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद और फिर वीडियो को पॉज करके फिर आंसर देखिएगा चलिए तो आंसर यहां पर बच्चों आपका क्या हो जाएगा यहां पर आंसर होगा आपका लॉर्ड विलिंगडन ठीक है लॉर्ड विलिंगडन जो थे उनके समय में ये व्हाइट पेपर आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड जो आपके तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हुए थे उसके बाद व्हाइट पेपर जो है इशू किया गया था आप सब जानते ही हैं एयरफील्ड बनाई दिल्ली में आइलैंड है इनके नाम पर एक केरला में बर्मा को सेपरेट कर दिया था हिंदुस्तान से और कांग्रेस यूथ को जो है बैन कर दिया था थोड़े से से और पॉइंट्स देखते हैं विलिंगडन रिलेटेड तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके समय में हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके समय में हुई थी फर्स्ट हुई थी इरविन के समय में ठीक है ओके और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था ठीक है महात्मा गांधी गए थे लंदन लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गई और महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में आके दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी थी ठीक है उसके बाद थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई और थर्ड कॉन्फ्रेंस के बाद कॉम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया जिसके बाद महात्मा गांधी जो है स्ट्राइक एंड टू डेथ पे चले गए थे जिसमें कॉम्यूनल इलेक्टोरेट की बात की गई थी ठीक है और पूना पैक्ट साइन हुआ फिर गांधी जी और आपके बी आर अम्बेडकर के बीच थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल 1933 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1935 में ऑल इंडिया किसान सभा बन गया था 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसको आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण जिन्होंने आपका जिस, जिनकी वजह से आपकी इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने ठीक है तो इन दोनों ने आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई और बर्मा को हिंदुस्तान से सेपरेट कर दिया गया 1935 में यह सब किसके समय में हुआ लॉर्ड विलिंगडन के समय में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद करने चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है ओके okay, एक मतलब आप इस क्वेश्चन को ये समझ लीजिए कि दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल ओके यू डू नॉट फाइंड दिस नॉलेज इन बुक्स इजिली ठीक है और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी वाले पूछते हैं आजकल पूछने लगे हैं और पंजाब सिविल सर्विसेज वाले तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछते ही पूछते हैं ठीक है उनकी तो आदत है इस क्वेश्चन को पूछ इस तरह के क्वेश्चन को पूछने की तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन ऑफिस वाज मर्डर्ड बाय एन इंडियन रेवोल्यूशनरी एक गवर्नर जनरल जिनको जब वो गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान में तब उनको एक इंडियन रेवोल्यूशनरी ने मार दिया इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनको हिंदुस्तान में किसी रेवोल्यूशनरी ने माना मारा है तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है आपको वो गवर्नर जनरल का नाम बताना है और आपको उन रेवोल्यूशनरी का नाम बताना है ऑप्शन हैं लॉर्ड मायो एंड शेर अली अफरीदी लॉर्ड हार्डिंग एंड खुदीराम बोस लॉर्ड एलगिन एंड दूतनाथ तिवारी लॉर्ड डेफरिन बाघा जतिन ठीक है ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने आपको जिन रेवोल्यूशनरी यहाँ पर बात की जा रही है उनकी इमेज यहाँ पर आपको लगा कर दी है फैक्चुअल क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन को आपने सिर्फ तभी अटेम्प्ट करना है व्हेन यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर अगर आपके मन में एक परसेंट भी डाउट है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर देंगे एस के आई पी स्किप बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड मायो एंड शेर अली अफरीदी ठीक है तो लॉर्ड मायो को शेर अली अफरीदी ने जो है वो मार दिया था शेर अली अफरीदी जो थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश के अंडर ही जो है आर्मी में जो काम करते थे ठीक है तो कुछ इनके ग्रेवियंसिस हो गए थे उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग अक्सर पूछा जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी का और स्टेट सर्विसेज का भी ठीक है ये सारे क्वेश्चन सिर्फ पंजाब स्टेट सर्विसेज के लिए या ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आप किसी भी स्टेट के हैं और आप किसी भी स्टेट का सर्विस एग्जाम दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो उन सब स्टेट्स के में आपका हिस्ट्री जो है सिलेबस में रहता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं चलिए तो मैच करना है आपको गवर्नर जनरल के नाम यहां पर गिवन है और डिस्क्रिप्शन यहां पर गिवन है क्वेश्चन को पॉज करके ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा चलिए ओके तो फिर इसका करेक्ट आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ फिर इसको मैच करेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन बी के हिसाब से वन विल मैच विद फोर दैट इज लॉर्ड कॉनवॉलेस इज रिलेटेड टू ही इस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ओके जो काफी समय तक ब्रिटिश राज के समय में कंटिन्यूड रहा और इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी उसको यूज़ किया गया इसमें आपके आ जाते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स जो इन्होंने आपके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुरिस्टिक्शन को सेपरेट किया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स थे सिविल सर्विसेज से जो रिफॉर्म्स थे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स थे लॉर्ड कॉन्नवालिस इज कॉल्ड फादर ऑफ़ सिविल सर्विसेज इन इंडिया ऑल राइट सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ़ सिविल सर्विसेज इन इंडिया उसके बाद आपका वॉरन हेस्टिंग्स जो है इट विल मैच विथ Statement number two that is provided the official start to British administration in India by modeling it on pre existing Indian administrative system. ठीक है तो जो लॉर्ड आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने काफी सारी जो पुरानी चीजें थी उसको ये लेकर के आए जैसे दीवानी अदालत हुआ करती थी ठीक है जिनको कलेक्टर के अंडर रखा गया हिंदू लॉज को हिंदू के ऊपर एप्लीकेबल किया मुस्लिम लॉस को मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल किया ठीक है डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत लगाई फौजदारी अदालत लगाई तो ये सारे काम जो है इन्होंने जो पहले से चल रही थी इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था उसी को लागू करने का यहां पर इन्होंने शुरुआत किया उसके बाद अगर आप देखें लॉर्ड लॉर्ड विल गो विद स्टेटमेंट नंबर द एक्सपेंशन वॉज इज प्राइम मोटिव देन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन लॉर्ड वेलेसले के समय में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन नहीं हुई इनका जो मेन फोकस था वेलेब का इट वॉज की ब्रिटिश एम्पायर को कैसे मैक्सिमम एक्सपैंड किया जाए एंड लास्ट इज योर रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड क्लाइव इट विल गो विध स्टेटमेंट वन इस्टैब्लिश द फर्स्ट फुटिंग्स ऑफ अ ब्रिटिश स्टेट इन इंडिया ठीक है क्योंकि इनके समय में ही आपका बैटल ऑफ प्लासे जो है आ, लड़ा गया था जिसने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया ब्रिटिशर्स को इंडिया में सो यू कैन मैच लॉर्ड क्लाइव विथ स्टेटमेंट नंबर वन ओके कौन वाले इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं लॉर्ड वेलेस्ले को अगर आप देखो जितने भी यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कहीं पर भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्होंने एक्शन लिया हो वो नहीं दिखेगा सब्सिडरी अलाइंस का सिस्टम मैसौर वॉर मराठा वॉर ठीक है ये एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया तंजौर का सूरत का कर्नाटिक रीजन का ट्रीटी ऑफ बेसिन कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के वे में इन्होंने एक स्कूल शुरू किया था फोर्ट विलियम स्कूल जिससे जो सिविल सर्वेंट्स जो इंग्लैंड से इंडिया आ रहे थे उनको इंडियन लॉज के बारे में बताया जा सके 1800 में इन्होंने शुरू किया था पर इट वाज आल्सो नॉट अ सक्सेस क्योंकि 1802 में इसको बंद करा दिया था ठीक है तो कोई मेजर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं लेकर आए मेनली इनके जो रिफॉर्म्स थे दे वर कंसर्न विद द यू नो कि किस तरह से टेरिटरी एक्सपेंड किया जाए ब्रिटिशर्स का इंडिया में ओके आर यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है ना तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा ओके वॉरन हेस्टिंग्स रिवाइवल इन्होंने किया जो भी लॉज थे पुराने ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप रीड कर सकते हैं पीडीएफ मिल जाएगा लेक्चर के बाद तो कोई इशू नहीं आएगा चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन अगेन रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग कलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्सेज फाउंडर यू हैव टू सी करेक्ट मैच ओके विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन मैच करेक्टली जो इनमें से इनकरेक्ट है वो आपने हटा देने हैं स्टेटमेंट वन कहता है कि संस्कृत कॉलेज बनारस में विलियम जोन्स ने बनाया था स्टेटमेंट टू कहता है कि कैलकटा मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था स्टेटमेंट थ्री कहता है फोर्ट स्टेटमेंट नंबर थ्री तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली फोर्ट विलियम कॉलेज मैंने आपको बता दिया किसने बनाया था किसने बनाया था हम्म नौसी हेयर नेम इज रिटन आर्थुर वेलेसले बट द लॉर्ड वेलेस्ले वी टॉक एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज नॉट आर्थुर वेलेस्ले हिज नेम वॉज नॉट आर्थुर से यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि आर्थुर वेलेस्ले आप एज्यूम कर लेते हैं कई बार एग्जाम में कि आर्थुर वेलेस्ले लॉर्ड वेलेस्ले का पूरा नाम आर्थुर वेलेसले होगा और आप में से बहुत लोग इसको करेक्ट कराओगे ठीक है थ्री वाले को आप करेक्ट कराओगे लेकिन ये गलत है वो नहीं थे उनका ठीक है मैं एक बार आपको उनका पूरा नाम बता देता हूं हिज नेम वॉज रिचर्ड वेलेस्ले जो आपके गवर्नर जनरल थे हिज नेम वॉज नॉट आर्थुर वेलेस्ले हिज नेम वॉज रिचर्ड वेलेसले ठीक है तो यहाँ पर एक ट्रिक क्वेश्चन है ये तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है तो यहाँ पे थ्री को आप एलिमिनेट कर दो बचता है वन एंड टू ओनली और टू ओनली संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था कैलकटा मद्रासा किसने बताया था ये आपको पता होना चाहिए तो आंसर देख लेते हैं आंसर देखने से पहले ये क्या आ गया चलो इसके बारे में बाद में देखेंगे आंसर देख लेते हैं आंसर बी है आपका संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डंकन ने बनाया था आपको ऑप्शंस में कुछ और ही गिवन था आपको ऑप्शंस में विलियम जॉन्स गिवन था ठीक है तो जोनाथन डंकन ने बनारस में ये आपका संस्कृत कॉलेज बनाया था सेवनटीन में एक फैक्ट दो फैक्ट तीन फैक्ट और इस कॉलेज का मेनली काम क्या था हिंदू लॉ और फिलोसफी को स्टडी करना फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेसले ने बनाया था 1800 में मैंने आपको बताया ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो है वो इसका काम था मेनली ओके okay. और इस कॉलेज को खत्म कर दिया गया बंद कर दिया गया आपके एटीन में कैलकटा मदरसा वॉरन हेस्टिंग्स ने बनाया सेवनटीन एटी वन में और इसका मेनली पर्पज क्या था इसको बनाने का मुस्लिम लॉ और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टडी करना ठीक है दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑल राइट ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स थे तो इनको आपने याद कर लेना है ये जब ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्ट डिबेट चल रही थी ना हिंदुस्तान में तब ये कॉलेजेस निकल कर आ रहे थे ओके ओके नो थोड़ी सी एडवर्टिजमेंट कर लेते हैं ये आपके जो है कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं ईपीएफओ के लिए ठीक है प्रैक्टिस एमसीक्यू कोर्सेज हैं का एक एक टेस्ट है लॉ के के भी है, के भी हैं हैं गैप आप कॉम्बो कोर्सेज भी ले सकते हैं काफी चीप रेट्स पे जो है ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन हैं जिनको आप अटेम करेंगे और फिर उसके बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी अच्छा लगे तो खरीद लीजिएगा वरना आपकी मर्जी है चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है और अगेन करेक्ट बताना है ये वर्ड के ऊपर मेरा तो सबसे पहले ध्यान चला जाता है भैया कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है क्योंकि मेरे हिसाब से यूपीएससी का बड़ा एक इसमें या स्टेट सर्विसेज का बड़ा इसमें जो है चाल षड्यंत्र वो इस तरह से रचते हैं करेक्ट इन करेक्ट के ऊपर क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे इस इसपे गलती करेंगे ही करेंगे ओके okay. स्टेटमेंट देखें क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस सेपरेटेड पावर्स बिटवीन रेवेन्यू कलेक्टर एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अच्छा जी और स्टेटमेंट बी कहता है लॉर्ड वेलेसले ईयर्स ऑफ लॉर्ड वेलेसले वर मार्क्ड बाय द थ्रेट्स ऑफ नेपोलियनिक इन्वेजन अब आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन कितने टाइम एक्टिव था तभी आप इसका आंसर कर सकते हो लॉर्ड ड्यूरिंग लॉर्ड ढलहाल्हाजी इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मोड ऑफ स्टडी रादर देन मोड ऑफ स्टडी मतलब कि लैंग्वेज की इंग्लिश में ही पढ़ाई करनी है एक होता है इंग्लिश सब्जेक्ट है एक होता है इंग्लिश में पढ़ाई करनी है तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि लॉर्ड डलौजी के समय इंग्लिश को पढ़ाई का जो है लैंग्वेज बना दिया गया आपको करेक्ट बताना है आंसर जरूर करिएगा ऑप्शन आपके सामने ये रहे एक बच्चे की शिकायत आई थी कि सर फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रखिएगा आई होप अब उसकी शिकायत दूर हो गई हो मुझे कमेंट करके जरूर बताया अगर वो अब दोबारा वीडियो सुन रहा है हमारा कि अब उसको फॉन्ट साइज जो है वो ईजिली uh, रीडेबल है या नहीं चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा सी वन एंड टू ओनली पहली दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी बिल्कुल ठीक हैं थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हमने अभी पीछे भी देखा कि काफी ज्यादा जो है ये रिफॉर्म्स लेकर आए जुडिशियल रिफॉर्म्स और तो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन और ज्यूडिशियरी का फंक्शन जो है वो अलग अलग कर दिया था ठीक है लॉर्ड वेलेस्ले अगर अब आप लॉर्ड वेलेस्ले का समय देखो तो लॉर्ड वेलेसले वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम सेवनटीन टू एटीन ठीक है और इसी समय पे आपका नेपोलियन भी एक्टिव था इसलिए क्वेश्चन में देखा कि लॉर्ड के समय वॉज हॉट बेड नेपोलियन ने तहलका मचा रखा था गदर मचा रखा था और उस समय पर कॉमन बिलीफ था कि जो नेपोलियन है वो टीपू सुल्तान के साथ मिलकर के हिंदुस्तान के ऊपर इन्वेजन करने का जो है प्रोग्राम कर रहा है ठीक है और इसी वजह से 1799 से लेकर 1805 तक लॉर्ड वेलेसले इन्हीं चीजों में उलझा रहा उसने सिंध के साथ अपने रिलेशंस भी इसी वजह से जो है रिवाइव किए ताकि वो फ्रेंच टीपू सुल्तान और शाह जमन हुआ करता था एक काबुल का राजा होता था ताकि वो इन तीनों की जो साजिश चल रही थी इंडिया को इन्वेड करने की उसको रोक सके स्टेटमेंट थ्री में आपके लिखा था कि लॉर्ड डलहौजी के समय में इंग्लिश को एज अ मोड ऑफ स्टडी लाया गया वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ किसके समय में हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में डलहौजी उनके बाद आए थे तो डलहौजी के आने से पहले ही ये काम हो चुका था ऑल राइट गॉट द क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया देख रहे हो ना कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये मेन्स में भी इस्तेमाल हो सकती है और प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है शाहजमन का भी एक इंपॉर्टेंट नाम है ओके चलिए सेवंथ क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है आपका आपको बताना है गवर्नर जनरल और इवेंट को मैच करना है ओके एक एक साइड साइड पे पे आपके गवर्नर हैं हैं और एक पे इवेंट्स हैं। जल्दी से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए right. तो इसका इसका आंसर आंसर क्या होगा बच्चों मैं आपको बता देता हूं पहले इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन के समय में फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने इसको मेरे को याद करने का तरीका यह बताया था कि लॉर्ड डफरिन मानिए कि डफर डफर के टाइम पर कांग्रेस बन गया ठीक है तो डफरिन इज फाउंडेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस सेकेंड का है वन दैट इज पिंडारी वॉर पिंडारियों के साथ लड़ाई लड़ी गई ठीक है मूवी देखी होगी आपने वीर ठीक है सलमान खान की मूवी है उसमें सलमान इज ऑल्सो पिंडारी उसके बाद लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग के समय में आपका जो है इंपीरियल सिविल सर्विसेज की फॉर्मेशन हो गई आईसीएस इसको बोला जाता था इंडिपेंडेंस तक यही नाम इसका रखा गया और फोर्थ इज लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड रीडिंग के समय में आपका आर एस एस फॉर्म हो गया ओके दैट वॉज नाइनटीन ट्वेंटी फाइव ओल राइट चलिए इसमें ज्यादा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं गवर्नर जनरल्स के लिए डिटेल्ड एक वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा तो फिर मैं आपको गवर्नर जनरल्स और वॉइस जो है वो डिटेल में उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो मैं आपको करवा दूंगा एर्थ क्वेश्चन ओके एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है अगेन मेरी नजर इसके ऊपर बड़ी जल्दी चली जाती है मेरी क्वेश्चन रीड करने से पहले नजर ना इसके ऊपर जाती है अब मेरा माइंड इस तरह से ट्रेंड हो चुका है इतने सारे एग्जाम्स मैंने खुद भी दिए हैं कि मेरी सबसे पहले नजर इस पे जाती है कि करेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है आपने भी अपने माइंड को इसी तरह से तैयार करना है ठीक है तो नॉट करेक्ट पूछा है इंडिया काउंसिल वॉज द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ओके इंडिया ऑफिस वॉज ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया हाउस वॉज द प्लेस फॉर ऑफिशियल लॉजिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेज इन लंडन सीधा सा क्वेश्चन है ज्यादा समझने वाला कुछ है नहीं आपको बस पता होना चाहिए कि क्या किसके लिए यूज होता था ठीक है आंसर इसका क्या होगा सोच के आंसर करने की कोशिश कीजिए इनकरेक्ट पूछा गलत कौन से हैं चलिए तो इसमें गलत कौन से हैं बच्चों इसमें गलत है आपके सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यानी कि आपका सही आंसर है सी देखो इंडिया काउंसिल तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जिसमें

1905 में ये स्टार्ट हुआ था ठीक है और ये बेसिकली इन्होंने एक इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी ओके और ये जो इंडिया हाउस था ये बेसिकली क्या करता था जो भी इंडियन स्टूडेंट्स आते थे ना इंडिया से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर तो उनको ये यहां पर रहने वगैरह की और खाने पीने की जगह जो है वो देता था जो भी रेडिकल यूथ आते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो इंडिया की फ्रीडम फाइट जो है कंटिन्यू करना चाहते थे ऑल right. उसके बाद इंडिया ऑफिस क्या था ये एक ब्रिटिश सरकार का डिपार्टमेंट था जिसको 1858 में लंदन में किया गया इसका मेनली काम था एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करना वॉइस रॉयज और प्रोविंसेस के थ्रू इस डिपार्टमेंट का हेड जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना कि गवर्नर जनरल ठीक है और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जैसे कि हमने पीछे देखा इसको एक काउंसिल ऑफ इंडिया दिया गया इसमें पंद्रह मेंबर हुआ करते थे ओके तो इंडिया ऑफिस और इंडिया हाउस अब आपको पता चल गया ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ठीक है जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी है उनको ये आता होगा ठीक है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम है मैंने भी वहीं से इसका सोल्यूशन निकाला मैंने भी वहीं पढ़ा था ओके ओके चलिए क्वेश्चन द फॉलोइंग थ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटीज अगेन नजर चली गई इनकरेक्ट के ऊपर गलत बताना कौन सी है एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वर इज कमीशन इन बॉम्बे कैलकटा मद्रास बिल्कुल कमीशन की गई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अब यह देखना है कि लॉर्ड डलौजी के समय में ही हुई थी क्या स्टेटमेंट 2 कहता है फर्स्ट बैन ऑन बैन ऑन प्रेस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में पहली बार प्रेस पे बैन हुआ था स्टेटमेंट 3 कहता है कि एंग्लो नेपाली वॉर ये किसके समय में हुआ लॉर्ड डलहौजी ये तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा ही है ठीक है तो ये तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आता है तो इनकरेक्ट कौन सा है बताओ ओके okay, तो इसका तो मेरे को पता चल गया कि आपको आता है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है या तो फिर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे या मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा अगर ये वाला स्टेटमेंट आपको नहीं आता क्योंकि अभी हमने देखा कि एंग्लो नेपाली वॉर किसके समय में लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में जो गवर्नर जनरल थे अट्ठारह से लेकर के अठारह तक ठीक है तो स्टेटमेंट थ्री गलत हो जाता है अगर अब ये इनकरेक्ट पूछा गया मतलब कि हमारे आंसर के लिए ये ठीक हो जाता है तो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट थ्री नहीं है उसको मैं काट दूंगा ओके okay. उसके बाद पहली बार प्रेस के ऊपर बैन विलियम बेंटिक के समय में लगा था क्या बहुत लेट हो जाएगा मेरे हिसाब से लॉर्ड विलियम बेंटिक तो 1829 तक आए थे अंग्रेज इतनी देर कहां रुकने वाले थे तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है ये पहली बार वेलेस्टले के समय में लगा था ठीक है 1799 में ठीक है यह भी इनकरेक्ट है मतलब हमारे आंसर के हिसाब से सही है तो जिसमें टू नहीं है वो भी गलत हो गया उसके बाद स्टेटमेंट वन कह रहा है कि तीन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज बनी बिल्कुल बनी थी पर क्या लॉर्ड डलहौजी के समय में बनी थी इन तीन जगहों पर आपकी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज नहीं लॉर्ड डलहौजी नहीं यहां पर आपका क्या आएगा यहां पर आपका आएगा लॉर्ड कैनिंग ठीक है जिनके समय में आपका रिवोल्ट ऑफ एटीन भी हुआ तो तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मतलब कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओके ऑलराइट तो एक्सप्लेनेशन में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं या पीडीएफ में रीड कर सकते हैं बाद में ऑलराइट राइट चलिए आज का आखिरी सवाल आज का आखिरी सवाल क्या पूछ रहा है दिल्ली दरबार से रिलेटेड सवाल है इनकरेक्ट पूछी गई है लॉर्ड दिल्ली दिल्ली अच्छा, रिपन के समय में लगा ओके और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि टोटल छह दिल्ली दरबार जो है वो हुए अंग्रेजों के समय ओके तो देखो दिल्ली दरबार दिल्ली में लगे इसको मैं मान के चल लेता हूं कि ठीक ही होगा तो इनकरेक्ट पूछा है तो वन तो करेक्ट हो गया तो जिस भी ऑप्शन में वन है मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाता है सी ठीक है और इसका करेक्ट आंसर भी सी ही है देखो दूसरी स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था ये लॉर्ड रिपन के समय में नहीं ये लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था 1877 में और दूसरी स्टेटमेंट कहती है छह दिल्ली दरबार हुए छह नहीं तीन हुए थे ठीक है और ये तीन दिल्ली दरबार कब कब हुए एक सेवन में हुआ एक 1903 में हुआ एक 1911 में हुआ एक एड ऑन इंफॉर्मेशन यहां पर आपके लिए ये है कि सिर्फ 1911 का दरबार था जो एक सॉवर यानी कि जो उस समय के राजा ब्रिटेन के राजा ने अटेंड किया जॉर्ज फाइव ने उसके अलावा जो ये दो दरबार हुए थे इसमें कोई राजा ब्रिटेन का हिंदुस्तान नहीं आया था पर इस वाले में जॉर्ज फाइव आया था ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए ठीक है ये जो फैक्ट है ये आपके टीचर ने ढूंढा है विकीपीडिया से ठीक है और मैंने इसको ब्रिटानिका के ऊपर भी सर्च किया है तो इट इज ऑथेंटिक है मुझे किताब में नहीं मिला किसी ये मुझे विकीपीडिया पे मिला आई एम शेयरिंग माय रिसोर्सेज क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये देखो ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे ऊपर बचपन में कोई भगवान ने आके जादू ने आके वो कोई मिल गया वाले ऐसे किया और फिर मेरे अंदर नॉलेज आ गई तो मैं आपको अपने रिसोर्सेज ना बताऊ आई डो नॉट फील शाय कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये इस किताब से उठाया या इस किताब से उठाया बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो मैं अलग अलग टेस्ट सीरीज से उठा लेता हूँ पुरानी टेस्ट सीरीज है या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है आई डोट नॉट फील शाह मैन क्लेम कर, करता कि ये सारे मेरे ओरिजिनल बनाए हुए हैं लेकिन लेबर लॉ के सारे क्वेश्चन मेरे ओरिजिनल बनाए हुए हैं गैप के सारे क्वेश्चन अनुभव सर के ओरिजिनल बनाए हुए हैं वो हम क्लेम कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही आई होप आपको मजा आया होगा और किसी को कोई डाउट हो कुछ क्रिटिसाइज करना हो कुछ ना अच्छा लगा हो वो भी कमेंट में लिख देना पर थोड़ा डिसेंट वे में ठीक है हम um, ह्यूमंस है ना आपस में डिसेंटली बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो अभी के लिए थैंक यू अपना ध्यान रखें अपने परिवार का ध्यान रखें ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय